एक बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्र का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। बड़ी खबर का जिक्र है, दस के केजरीवाल सरकार ने आप प्रस्ताव खारिज किया है, आप प्रपोजल खारिज किया है। स्टेडियम नो अस्थाई जेल बनाने का प्रस्ताव सीगा, टेंपरेरी जेल बनाने का प्रस्ताव सीगा, जो कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आप प्रस्ताव ठुकरा दिता है। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए बवाना स्टेडियम केवल मांग की गई थी कि उसको टेंपरेरी जेल बनाया जाए, पर इस जो प्रस्ताव नो दिल्ली सरकार दे वालों ठुकरा दिता है। दस के बवाना स्टेडियम को अस्थाई जेल बनाने की गल कही गई थी, केजरीवाल सरकार ने आप प्रस्ताव खारिज कर दिता है। बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं, कितने कितने इस खबर तो अंदाजा लगाया जा सकता है, कह सकते हैं कि असी दिल्ली सरकार भी किसानों का कितना कितने साथ देती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल सरकार ने आज प्रपोजल सीगा केंद्र सरकार का, इसको ठुकरा दिता है। जहां की गल है कि आज 13 फरवरी है, ते किसान दे वलो दिल्ली कूच दा ऐलान कर दिता गया है, चाले पा दिते गए ने। मेरे सहयोगी सुशील पांडे फोन लाइन ते मौजूद ने। सुशील, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार किसानों का साथ दे रही है, दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र सरकार जो प्रस्ताव था टेम्परेरी जेल का वो ठुकरा दिया है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था कि बवाना में किसानों के लिए अस्थाई जेल बना दिया जाए, जिसकी वजह से जो फिलहाल किसान दिल्ली में आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि जो किसानों की मांग है वो जायज है और किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से उनके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को के मद्देनजर किसानों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती और अस्थाई जेल बनाने की जो मांग दिल्ली सरकार की तरफ से की गई थी उस मांग को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो मांग थी किसानों के लिए फिलहाल अस्थाई जेल बनाने की, उस मांग को फिलहाल गृह मंत्रालय की तरफ से खारिज किया गया है, क्योंकि साफ तौर से किसानों ने ये कहा है कि अपने आप में उनकी जो मांग थी उस मांग को वो नहीं मानेंगे और ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा का हवाला देते हुए फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया गया है। सुशील, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, जैसे कि पंजाब सरकार का कहना है, भगवंत मान का भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी कि वो किसानों के साथ है, तो कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं किसानों का साथ देती हुई नजर आ रही है। जी देखिए, जब दिल्ली सरकार के जो राजनीतिक संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, जब वो खुद ही फिलहाल किसानों के प्रदर्शन में साथ हैं, तो निश्चित रूप से पंजाब सरकार को उसके साथ होना है, क्योंकि वहां पर उनकी पार्टी ही है और जब उनकी पार्टी जब किसानों के प्रदर्शन का, किसानों की मांगों का समर्थन कर रही है, तो निश्चित रूप से दिल्ली सरकार को भी इस पूरे प्रदर्शन में उनके साथ होना होगा और इसीलिए फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से ये मांग की गई थी कि एक अस्थाई जेल बवाना में बनाया जाए ताकि किसानों को दिक्कत ना हो। लेकिन चूंकि दिल्ली एक राज्य है जहां पर सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, सुरक्षा व्यवस्था देखना केंद्रीय गृह मंत्रालय का अहम हिस्सा है, लिहाजा उन्हें किस सूरत में दिल्ली में एंट्री दी जाए या ना दी जाए, ये सुरक्षा का पहलू है और इसीलिए शायद गृह मंत्रालय की तरफ से उठाया गया ये बड़ा कदम है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमें तमाम जानकारी देने। तो बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली सरकार ने केंद्र का प्रस्ताव खारिज कर दिया है, प्रपोजल सीगा वो ठुकरा दिता है। दस के केजरीवाल सरकार ने खारिज किया है। इस दे विचाले मांग की गई थी कि स्टेडियम नु अस्थाई जेल बनाया जाए, टेंपरेरी जेल बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार दे वालों कितना कितने दिता गया सीगा। इस दे विचाले किसानी आंदोलन नु लेके सुरक्षा जो है कानून का हवाला दिता गया सीगा, पर जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने आप प्रपोजल ठुकरा दिता है। इसलिए विचारे दस की बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली सरकार ने केंद्र का प्रस्ताव खारिज कर दिया है, केजरीवाल सरकार ने आ प्रस्ताव खारिज किया है। केजरीवाल सरकार का कहना है कि किसानों को गिरफ्तार करना गलत है, क्योंकि किसानों का भी डेमोक्रेटिक राइट है प्रदर्शन करना। इसके विचारे केंद्र गलबात जरिए मसला हल करे, तो इस विचारे बड़ी खबर का जिक्र करे, कितना कति कहा जा सकता है कि जे पंजाब सरकार का जो है पक कितना कितने किसान वालों पूरा गया है, तो जो दिल्ली सरकार है कितना कितने किसानों का साथ देती हुई नजर आ रही है। प्रपोजल सेंटर के वालों भेजा गया सीगा, जो प्रपोजल है कितना कितने आम आदमी पार्टी दे दिल्ली सरकार के वालों रिजेक्ट जो है वो किया गया है।